करना पड़ा था या हमारा अगले वाला पार्ट पड़ा था एट नंबर या सेवन नंबर, वहां पर था नाम या संज्ञा। पढ़ी थी हम लोगों ने नाम और संज्ञा। तो नाम जिसको हम संज्ञा भी बोलते हैं। अब नाम जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि हर वस्तु का अपना अलग अलग नाम होता है, चाहे वो व्यक्ति हो, कोई स्थान हो, कोई गार्डन हो, कोई चीज हो, जानवर हो, पशु हो, पक्षी हो, कोई भी हो, उसका अपना अलग एक पर्सनल नाम होता है और हम उनको उन्हीं के नाम से बुलाते हैं। तो संज्ञा किसे कहते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा। किसके नाम को? व्यक्ति, स्थान, प्राणी, वस्तु या भाव के नाम को। किसको? नाम को संज्ञा कहते थे। तो अब नाम की जगह पर हम क्या लगाएंगे? सर्वनाम लगाना सीखेंगे। अब सर्वनाम, तो सर्वनाम क्या होता है? तो उसका मैं आप लोगों को एक नॉर्मल सा पहले इंट्रो दे देती हूँ कि सर्वनाम यानी संज्ञा के स्थान पर यूज होने वाले शब्द, यानी नाम की जगह पर इस्तेमाल करने वाले शब्द। जैसे रमेश खाना खा लो, रमेश बाहर मत जाना, रमेश अपनी पढ़ाई करना। तीन बार मैंने रमेश का प्रयोग किया। अब इससे बेटर अगर मैं ऐसा बोलती कि रमेश खाना खा लो, उसके बाद तुम पढ़ाई करना और तुम बाहर मत जाना। तो पहली बार तो मैंने रमेश का प्रयोग किया, फिर रमेश की जगह तुम। तो वो जब मैंने रमेश की जगह पर तुम लगाया तो रमेश का नाम हटकर वहां पर आ गया तुम। तो वही तुम है जो सर्वनाम है बच्चों। क्या है? वही सर्वनाम है। अब यहाँ पर तो यहाँ पर मैंने एक उदाहरण दिया है आपको। क्या दिया है? एक उदाहरण दिया है। तो पूरा सर्वनाम वाला चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बार मुझे ये बताओ, एक बार प्रॉमिस करो मुझे कि ये वीडियो आप एंड तक देखोगे। अगर आपको सर्वनाम के बारे में सब कुछ चीजें सीखनी है तो वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा, ओके? तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को उदाहरण दिए हैं। एक लड़की है जो दूसरी लड़की से बात कर रही है। क्या कर रही है? एक लड़की दूसरी लड़की से बात कर रही है। जैसे क्लास में भी तुम लोग बात करते हो तो एक फ्रेंड दूसरी फ्रेंड से बात कर रही है। इसने सबसे पहले इसने इसको इस लड़की को पूछा, तुम क्या कर रही हो? इसने क्या पूछा कि तुम क्या कर रही हो? इसने जवाब दिया, मैं पढ़ रही हूँ। क्या कर रही हो? मैं पढ़ रही हूँ। अब यहाँ पर क्या आया? तुम। यहाँ पर आया मैं। लड़की का नाम आया? नहीं आया। लड़की का नाम क्या है? ललिता, सुनीता, राधा, प्रिया, क्या है हमें कुछ पता नहीं। तो यहाँ पर इसने नाम की जगह पर सर्वनाम का प्रयोग किया है। किसका प्रयोग किया है? सर्वनाम का। ये ऐसे भी तो बोल सकती कि राधा तुम क्या कर रही हो, राधा क्या कर रही हो। तो उस राधा की जगह पर उसने यूज किया प्रोनाउंस को, सर्वनाम को उसने यूज किया। अब ये इसने जैसे आंसर दिया कि मैं पढ़ रही हूँ। इसने क्या बोला बच्चों? कि मैं पढ़ रही हूँ। अब ये ऐसे भी तो बोल सकती थी नी? अब ये ऐसे भी तो बोल सकती थी कि सुनीता मैं पढ़ रही हूँ, सुनीता मैं पढ़ रही हूँ। तो वहां पर उसने सुनीता शब्द यूज ना करके वहां पर मैं शब्द यूज किया। कौन सा शब्द यूज किया? मैं। तो वही नाम की जगह पर जो शब्द आते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। अब जैसे सर्वनाम की परिभाषा, जब बोलने में तो हमें पता चल गया कि जो नाम की जगह पर यूज होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अब उसको हम परिभाषित करना सीखते हैं, यानी उसकी परिभाषा सीखते हैं। और परिभाषा सीखनी और बोलनी और लिखनी भी तुम लोगों को आनी चाहिए, क्योंकि बोलना ओरल एग्जाम में काम आता है, लिखना रिटन एग्जाम में काम आता है। तो दोनों वर्ग तो अपने अपने जगह पर अलग अलग काम करते हैं। तो तुम्हें लिखना भी आना चाहिए और बोलना भी आना चाहिए। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है सर्वनाम किसे कहते हैं, तो वहां पर तुम्हें परिभाषा की जरूरत पड़ेगी। ओरल एग्जाम में टीचर्स पूछ लेते हैं कि सर्वनाम किसे कहते हैं, तो वहां पर तुम्हें बोलना आना चाहिए। तो दोनों चीजें सीखनी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम की एक शॉर्ट सिंपल सी परिभाषा है, नाम की जगह पर प्रयोग होने वाले शब्द। किसकी जगह पर? नाम की जगह पर। किसकी जगह पर? नाम की जगह पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे लड़की का नाम नहीं आकर तुम आया, तो ये तुम है, नाम की जगह पर प्रयोग हुआ है, इसलिए ये सर्वनाम है। ये क्या है? सर्वनाम।
होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। अब सर्वनाम तो वैसे बहुत सारे होते हैं, पर कुछ इम्पोर्टेंट सर्वनाम है जो उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। जैसे हम, तो हम है जो एक या एक के बारे में नहीं, दो लोगों के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर दो लोगों का नाम नहीं आकर उनके नाम की जगह पर सर्वनाम का उपयोग हुआ है। जैसे हम, तो हमारे घर में कितने लोग हैं, तो सब लोगों का नाम नहीं लेकर यहाँ पर हमने हमारे यानी सर्वनाम का उपयोग किया। जैसे मेरा, एक लड़का बोलता है कि ये मार्कर मेरा है, तो उसने मेरा, उसका नाम नहीं लेकर मेरा शब्द सर्वनाम यूज किया। और मैं बोलती हूँ कि ये बुक मेरी है, तो मेरा नाम नहीं लेकर मैंने सर्वनाम का यूज किया। अब वैसे ही उन्हें, उन्हें कौन, नाम तो नहीं पता, तो ये सर्वनाम है उनका, उनका भी नाम की जगह पर उनका शब्द यूज हुआ। जैसे वे, तो वे बहुत ही अच्छे हैं, वे, उनका नाम तो नहीं आया, ओनली फॉर वे आया, तो ये सर्वनाम है। इसे, ये भी एक सर्वनाम है। आप, यानी बोलते हो कि आप बहुत ही अच्छे हो, तो आपका नाम नहीं आकर सिर्फ आप आया, तो ये सर्वनाम है। आपका, आपका व्यवहार बहुत ही अच्छा है, तो किसका व्यवहार अच्छा है, नाम नहीं आया, तो नाम की जगह पर सर्वनाम आपका यूज। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल and press the bell icon for another updates. Thank you.